हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम लेके आए हैं, जिसमें से आज आपको मिलेगा पढ़ने को कोड के कुछ व्यवहारिक मात्रक, जो कि इसमें से डिग्री होगा, मिनट तथा सेकंड होगा। ठीक है, तो कुछ ये डिग्री, मिनट तथा सेकंड के जो है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ये आप सीख लीजिए इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और जैसे कांस्टेबल है, एशआई का आने वाला है फॉर्म, ठीक है, लेखपाल के भी हैं, अन्य बहुत सारे एग्जाम्स हैं कंपटीशन के। ठीक है, दूसरी बात, और इसमें जैसे बीएड का है, ठीक है, तो बीएड वाले में भी पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो और जैसे हाई स्कूल बेस्ड पे जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे सीआरपीएफ का हो गया, बीएसएफ का हो गया, इन सब में, ठीक है, तो इसमें जो है नॉर्मली इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे फिजिक्स के लिए 11th स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर ये वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 11th की क्लास चल रही थी और इस समय बीच में ड्रॉप हो गई थी क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब हम जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से, मैं कंटिन्यू उसी तरह क्लास आप लोगों की कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ डिग्री, पहला पॉइंट हम डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताता हूँ कि हम जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियन के। क्या होता है? 2π रेडियन के। ठीक है, 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन के होता है। ओके, तो इसलिए हम भाई क्या इसको एक डिग्री, भाई इसको डिग्री पढ़ते हैं, ये जो लगा है ये डिग्री पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो एक डिग्री बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2π बाई 360 रेडियन के। ठीक है, ये यहाँ पर एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2π बाई 360 रेडियन के हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पर ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 2 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो 2 वन जा 2 और 2 एट जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पाई बाई 180 रेडियन के। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता है, नॉर्मली जो है टीचर पूरी तरह बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, और वैसे भी बुक में भी लिखी रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हवा में मत लीजिए, ये मत सोचिए कि जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, भाई वीडियो बेकार है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही दे रहा हूँ, इसलिए इसको जो है सीरियसली लीजिए और आप लोग इसको जो है तैयार करिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 8 डिग्री बराबर होता है 2π बाई 360 रेडियन, और यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट होगा, ये इसको काटेंगे तो 180 आ जाएगा अपन में, तो पाई बाई 180 रेडियन भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको मिनट के बारे में बताएंगे। मिनट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सारे। तो यहाँ पर एक डिग्री, इसका फार्मूला एक डिग्री बराबर क्या होता है भाई, 60 मिनट। इसको हम जो एक डैश लगा है इसको मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, ये जो डैश लगा हुआ है इसको मिनट पढ़ते हैं, ये जो गोल गोल लगा हुआ है छोटा सा, इसको जीरो मत समझना आप, इसको डिग्री पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर जो ये डैश टाइप का लगा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं मिनट, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया मिनट। ठीक है, तो इसको एक डिग्री बराबर 60 मिनट, ये मिनट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जानने के लिए लिख दिया मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको यहाँ पर एक मिनट बराबर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, एक मिनट। ठीक है,
इसको ये जो डैश लगा हुआ है इसको मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। हमने आपको जानने के लिए लिख दिया यहाँ पे मिनट, लेकिन अगर आप लोग अगर आगे सवाल लगाएं या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वहाँ पर जो है आप यहाँ पर मिनट लगाएंगे, मिनट नहीं लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जान जाइए जो डैश लगा हुआ है इसको एक मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक मिनट बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 160 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर मैं डिग्री लिखे दे रहा हूँ आप लोगों को डाउट के लिए, ठीक है, आपको संदेह ना हो, डाउट ख़त्म करें आप। यहाँ पर डिग्री है तो इसको डिग्री मैंने लिख दिया है, अन्यथा डिग्री लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोग जान जाइए और जब ये डिग्री पढ़ेंगे आप और डिग्री लिखेंगे नहीं, ठीक है, अपनी कॉपी में। अब आगे हम ले चलते हैं आपको सेकेंड की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये फार्मूले जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर पढ़ेंगे एक मिनट, ठीक है। क्या भाई, एक मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है, क्या होता है, 60 सेकंड के। भाई सेकंड के लिए भाई कैसे हम पहचानेंगे ये भी जानिए। तो भाई जब डबल डैश टाइप का लगा हो अंक के ऊपर तो इसको सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सेकंड, ठीक है। तो एक मिनट जब एक डैश लगा हो तो उसको मिनट पढ़ते हैं, और जब डबल डैश लगा हो तो उसको सेकंड पढ़ते हैं। तो एक मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, एक सेकंड बराबर क्या, एक सेकंड बराबर हो जाएगा 1/60 मिनट के। अब क्या हम यहाँ मिनट ना लिखें, ठीक है, चलिए लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग अब तो सीख ही गए होंगे कि मिनट में जो है एक डैश लगेगा और सेकंड में जो है डबल डैश लगेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, इसलिए एक मिनट बराबर 1/60 डिग्री के, और सेकंड में क्या, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इसलिए भाई एक सेकंड बराबर 1/60 मिनट के होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूले पता चल गए होंगे, ठीक है। आप लोग इन फार्मूलों को तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम इसी तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो है छोटी क्लास के स्टूडेंट्स, जैसे ये 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, और मैं ये जो है 11th की क्लास फिजिक्स की चल रही थी तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और साथ में मैंने ये भी बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जितने भी ये फार्मूले हैं ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये केवल छोटी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है, मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। ये जो है कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में रख दिया कि भाई एक डिग्री बराबर 60 मिनट, और किसी में भाई लिख दिया कि एक डिग्री बराबर 60 सेकंड, तो भाई जो ऑब्जेक्टिव टाइप में कह दिया जाएगा कि कौन सा सही है इनमें से, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को, तब तक के लिए धन्यवाद।